हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कोरियन ड्रामा सीरीज के बारे में जो कि हिंदी में डब्ड हैं और आपको एमएस प्लेयर या नेटफ्लिक्स में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। सो लेट्स बिगिन। नंबर फाइव पे जो सीरीज आती है उसका नाम है माय लिटिल बेबी। इसे 2016 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर आपको कॉमेडी सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को आपको जरूर देखना चाहिए। अब बात करें इसकी स्टोरी के बारे में तो इस सीरीज में चांजुंग हान नाम का एक डिटेक्टिव आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी क्राइम सीन को हैंडल कर चुका होता है और अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट डिटेक्टिव भी होता है। पर एक दिन जब उसकी बहन और उसके पति दोनों का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसकी बहन की बेटी जिसका नाम इवने होता है उसकी जिम्मेदारी चांजुंग हान को मिलती है। फिर कैसे एक टफ डिटेक्टिव जिससे क्रिमिनल डरते थे वो एक बच्ची को कैसे संभालता है, ये इस सीरीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। इस सीरीज़ को मिस ना करें, इसे ज़रूर देखें। नंबर फोर पे जो सीरीज़ आती है उसका नाम है व्हाट इन द वर्ल्ड हैपेंड। इसे 2015 में रिलीज़ किया गया था और इसे IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी कोई फैंटेसी से कम नहीं है। क्या हो अगर आपकी उम्र हो 40 की और अगली सुबह उठकर आपकी उम्र 10 की हो जाए। ऐसी ही कमाल की इसकी स्टोरी है। इसमें आपको एक लड़का मिलेगा जिसका नाम वू होता है जो 25 साल का होता है और 40 साल की लड़की जिसका नाम एना होता है उससे शादी करना चाहता है। पर एना को डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी दादी के दिए हुए कार्ड से एक विश मांगती है कि उसकी उम्र कम हो जाए और वो से शादी कर सके। पर एना की उम्र ज़्यादा ही कम हो जाती है, वो 10 साल की हो जाती है। और कहानी में आगे क्या होता है ये आपको सीरीज़ में पता चलेगा। इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। नंबर थ्री पे जो सीरीज़ आती है उसका नाम है ड्रीम चेंज लैंड्रोमैट। इसे 2017 में रिलीज़ किया गया था और इसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी के बारे में तो इसकी स्टोरी में आपको एक ऐसी परी मिलेगी जो किसी का भी मेमोरी इरेज कर सकती है। ऐसे ही एक दिन दो कपल अपनी मेमोरी इरेज करवा देते हैं और सब भूल जाना चाहते हैं। पर वो कपल जब मेमोरीज इरेज करवाने के बाद दोबारा मिलते हैं तो अपनी उन फीलिंग को नहीं मिटा पाते हैं। और फिर क्या होता है आगे आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बनी है और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी, इसे एक बार ज़रूर देखें। नंबर टू पर जो सीरीज़ आती है उसका नाम है रूफ टॉप प्रिंस। इसे 2012 में रिलीज़ किया गया था और इसे IMDb ना करें। नंबर वन पे जो सीरीज़ आती है उसका नाम है इट्स ओके मॉम। इसे 2015 में रिलीज़ किया गया था और इसे IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, इसकी स्टोरी में एक सक्सेसफुल शेफ होती है जिसका नाम जोंगी होता है। उसके पास फैमिली और प्रोफेशन दोनों होते हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए। पर स्टोरी तो तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज ऑफ अल्जाइमर है जिसमें इंसान कुछ भी याद नहीं रख पाता है, वो तो अपना घर भी भूल जाती हैं। और फिर उसके इस बीमारी से क्या क्या होता है ये आपको सीरीज़ में पता चल जाएगा। इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और ये आपको बोर नहीं होने